मान्य हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। सादर नमस्कार करती हूँ। मैं शकुंतला सिंह परिहार ग्वालियर से एक शिक्षिका हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नव निर्माण भारत की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे भ्रष्टाचार को लेकर है। पूरा देश, हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त था। आपके आने से पहले भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त था। आज देश संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा लिया गया, निर्णय लिया गया है। आज देश ये चाहता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम उन्हें जेल में देखें। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना कड़ा निर्णय लेंगे, प्लीज आप आंसर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, आप बैठिए। और मैं समझता हूं शिक्षक बड़ा चौकीदार होता है, आने वाली पीढ़ियों की भी वो चौकी करता है, और इसलिए मैं ऐसे चौकीदार को यहां से नमस्कार करता हूं। आपका गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद ये जो भाग जा रहे, भागते हैं ना, उनको भी यही कारण है, डर लग रहा है। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? तो मैंने कहा जाओ कोर्ट में बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या? अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था, मैं उनको उससे कोई अच्छी जेल थोड़ी दूंगा। देखिए, पैसे लौटाना ही पड़ रहे हैं, जो पैसे गए, कानून बनाए हमने, 9,000 करोड़ रुपया का घपला गया, 14,000 करोड़ तो सरकार के कब्जे में है, ऑक्शन होता चला जा रहा है, ये सब का दुनिया के किसी भी कोने में उनकी प्रॉपर्टी होगी, ये जब्त होके रहेगी। और कभी न कभी हिंदुस्तान के कानून के शरण उनको भी आना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जो पहले खबरें क्या आती थी कि फलाने अफसर के यहां बिस्तर के नीचे से नोटों का बंडल निकलाते थे कि नहीं आते थे, अब बंद हो गया। पहले जितने लोग टैक्स देते थे आज उससे करीब करीब डबल हो गए। हर एक को लगता है भाई ईमानदारी का माहौल बन रहा है, चलो हम भी ईमानदारी से चले। तो हमारे दो प्रकार से काम है, एक ईमानदारों को पुरस्कृत करना, ईमानदारों को प्रोत्साहित करना,
ईमानदारी का सम्मान बढ़ाना, उनका मान सम्मान बढ़ाने की हमारे यहां परंपरा ही नहीं रही जी। आपने देखा उस बार बजट में हमने ऑफिशियली पार्लियामेंट के फ्लोर पर टैक्स पेयर का धन्यवाद किया है, इनका गौरव करना चाहिए। हम उनको नीचा दिखा करके चाहें कि देश चले तो कैसे चलेगा भाई, अनाप शराप गालियां देकर के हम उनको परेशान करेंगे तो क्या होगा। हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। मेरे लिए टैक्स पेयर देश के गरीबों की सेवा करने के लिए वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ईमानदारी से अदा कर रहा है, उसका मान सम्मान गौरव एक रास्ता। दूसरा, जो गलत करता है वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और ये कानून बनाए हैं, व्यवस्था बनाई है, लोगों को लगाया है, ये तो किया है, लेकिन जब पता चलता है कि ऊपर गड़बड़ नहीं है तो फिर नीचे ठीक होना शुरू हो जाता है, वरना तो रस्ते चलता है। 5 रुपया किसी का मारेगा तो भी कहेगा ऊपर पहुंचाना है, और किसी को लगता है ऊपर यानी पीएम को पहुंचाता होगा। लेकिन अब देश को पता है कि ऊपर कोई लेने वाला रह नहीं तो नीचे देने वाला भी बंद हो गया। लेकिन इसको विस्तार से हम बहुत कुछ बातें कह सकते हैं, मैं आपका समय लेता नहीं हूं। देश के सामान्य मानवीय की अपेक्षा है कि इस देश में लूटने वाले बचने नहीं चाहिए, और मैं वादा करता हूं इस काम को मैं करके रहूंगा।